मैंने पेपर प्लेट में सर्व करते है। ये खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको टूथपिक से खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें प्रचुर परिमाण में शुगर है, फाइबर भी है। इसी तरह शकरकंद चाट का पर बनाकर खाइए। मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइकन बटन जरूर दबाए, क्योंकि मेरे नारी से नोटिफिकेशन मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शकरकंद चाट बनाएंगे, उसके लिए सो सामग्री चाहिए। मैंने 6 शकरकंद लिया, इसको धोकर पूछ कर लिया, धनिया पत्ता, आधा नींबू, आग, सॉल्ट, चाट मसाला। शकरकंद को नए तरीके से भुनेंगे, बिना आग से। शकरकंद जैसे आग से भुनने वाले शकरकंद जैसे ऐसे लगेंगे। तवा रख दिया, तवा को गर्म कर दिया। इसमें ये शकरकंद इस तरह रख देंगे। फ्लेम सिम रखेंगे और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे। रखते हैं, 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन इस तरह निकाल देंगे और शकरकंद को इस तरह हम पलट देंगे। बीच बीच में इस तरह पलटते रहेंगे 2-2 मिनट में। फ्लेम स्लो रखेंगे, को ढक देंगे और 2 मिनट बाद चेक करेंगे। एक साइड पक चुका है, इसको हम पलट देंगे इस तरह, ढक देंगे। शकरकंद हो चुका है, अब हम शकरकंद चेक करें। शकरकंद भून चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे इस तरह। ये देखिए कितना अच्छा ये भुना हुआ है। जैसे आग में जलाते हैं तवा पर, इस तरह जरूर एक बार भून कर खाइए, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसी तरह सारा शक्करकंद का छिलका हम निकाल लेंगे। शक्करकंद का छिलका मैंने निकाल दिया, अब हम इसको इस तरह पीस पीस कर लेंगे। देखिए इस तरह पीस पीस कर लेंगे। देखिए सारा शक्करकंद मैंने काट लिया। थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे, काला नमक, धनिया पत्ता, नींबू का रस थोड़ा सा डालेंगे, चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। शकरकंद चाट हमारा तैयार हो चुका है।